الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد हम तहसील पढ़ रहे थे असल मसला कैसे निकालते हैं। तो हमने पढ़ा कि असहाबुल फ़राइज़ के हिस्सों से असल मसला कैसे निकालते हैं। अगर एक फ़र्ज़ी हिस्सा हो उसी के मखरज असल मसला बन जाता है। अगर एक से ज़्यादा फ़र्ज़ी हिस्से हों तब दो तरीक़ों से असल मसला निकालते हैं। या तो जो एक से ज़्यादा फ़र्ज़ी हिस्से हैं तो उनके मखरज कैल्शियम ले लिया जाए, या फिर ये जो दो सेट बना लें हम, तो इस तरीके से हम असल मसला निकालें। एलसीएम लेना तो वो तो एक पूरा तरीक़ेकार है, मैकेनिज्म है। और अगर ये पहला सेट दूसरा सेट इस तरीके से हमने एलसीएम निकालना है, तो अगर पहले सेट में से दो या ज़्यादा फर्जी हिस्से आ गए तो जिसका मखरज अगर एक सेट में से आ गए, पहले सेट में से सारे फर्जी हिस्से या दूसरे सेट में से सारे फर्जी हिस्से, तो जिसका मखरज बड़ा है उसको हम असल मसला बना देंगे। और अगर दोनों मखलूत सेटों में से अगर फर्जी हिस्सा आया तब क्या करेंगे? जी कौन बताएगा? सवाल मेरा ये है, एक तो तरीका है ना, देखिए अगर तो एक ही फर्जी हिस्सा है तब तो उसी के मखरज असल मसला निकलेगा। और अगर एक से ज़्यादा फर्जी हिस्से हैं तब फिर अब दो तरीके हैं, दो या तीन फर्जी हिस्से हैं। अब मुख्तलिफ दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि उन फर्जी हिस्सों के मखरज का एलसीएम ले लें, और दूसरा तरीका ये है कि हम देखें कि वो दो या तीन फर्जी हिस्से सिर्फ एक सेट से हैं कि दो सेट से हैं। अगर वो एक सेट से हैं, चाहे पहला सेट है चाहे दूसरा, फिर तो जिसका मखरज बड़ा है उससे असल मसला बना लेंगे। अगर वो दोनों सेट से हैं, मखलूत हैं, एक हिस्सा यहाँ से आ गया, एक बटा चार आ गया मसलन, एक हिस्सा एक बटा छः यहाँ से आ गया, फिर क्या करेंगे? फिर अगर तो इधर से छः है और इधर से आठ है या चार है, आठ है तो वो चौबीस से बनेगा, उसके अलावा कोई भी होंगे तो वो फिर बारह से बनेगा। छः वाले का बारह से बनेगा, आठ वाले का चौबीस से बनेगा। हर सूरत में देखिए, अगर ये एक बटा छः के साथ एक बटा दो आ जाए कितने से बनेगा? अगर वो आपस में ऑपोजिट हो तो नहीं। नहीं, मैंने जो बताया था वो रखे ना जहन में। जी क्या बताया था, भूल गया आप? अगर तो इधर से एक बटा चार होगा और इधर से कोई भी होगा, हाँ, तो वो बनेगा बारह से। ठीक है। और अगर इस साइड से एक बटा आठ वाला है और इधर से ये तीन मखरज वाले हैं तो फिर वो चौबीस से बनेगा। और अगर छः वाला है तो फिर तो भी चौबीस से बनेगा। ये तो फिर ये कहना कि आपके अगर इधर से एक बटा चार है, उधर से कोई भी है तो बारह से, इधर से एक बटा आठ है और उधर से कोई भी है तो चौबीस से, सिर्फ तीन वालों को पास ना करें ना। और अगर इधर से एक बटा दो वाला है और उधर से कोई भी है तो फिर तो छः से बन जाएगा ना, तब छः से। तो अब देखिए ना, फिर अब क्या तरीका बना? अब तरीका ये बना, एक तो तरीका ना देखें, हमें एलसीएम में कब जाना है? हमें एलसीएम में तब जाना है जब फर्जी हिस्से एक से ज़्यादा हो जाएं। अगर तो फर्जी हिस्सा एक है फिर तो उसी का मखरज से असल मसला निकल आएगा। ठीक है। अगर फर्जी हिस्सा एक से ज़्यादा है तो फिर हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है। या तो हम एलसीएम निकाल लें मखरज का, दो या तीन फर्जी हिस्से जितने भी एक मसले में आ रहे हैं उनके मखरज का हम एलसीएम ले लें, या फिर हम क्या करें, या फिर हम ये सेट्स वाला तरीका इख्तियार करें और उसमें पहला सेट, और पहले सेट में एक बटा दो, एक बटा चार, एक बटा आठ को पहला सेट बनाना है हमने, और दो बटा तीन, एक बटा तीन, एक बटा छः को दूसरा सेट बनाना है। ये नहीं करना हमने दो बटा तीन, एक बटा तीन और एक बटा छः को हम पहला सेट बना लें और पहले सेट को दूसरा सेट बना लें, उससे सारा हमारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। हमें एक बटा दो, एक बटा चार, एक बटा आठ को पहला सेट रखना है और दूसरा सेट हमें दो बटा तीन, एक बटा तीन, एक बटा छः को रखना है। अब पहले सेट में से अगर तो दो या ज़्यादा फर्जी हिस्से एक ही सेट में से आ रहे हैं
मसलन 1/2 और 1/8 आ जाता है, या 2/3 और 1/3 आ जाता है, या 1/3 और 1/6 आ जाता है। अब ये दोनों फर्जी हिस्से एक ही सेट में से आ रहे हैं, इस सूरत में क्या करते हैं, अगर एलसीएम के अलावा हमने करना है तो इस सूरत में हम जिसका मखरज बड़ा है उसको हम असल मसला बना लेते हैं, ठीक है। और अगर ये मुख्तलिफ सेट्स में से आए और हमने एलसीएम के अलावा हल करना है, फिर क्या करेंगे, फिर 1/2 के साथ, पहले सेट के 1/2 के साथ दूसरे सेट में से कोई भी आ जाए तो 6 से मसला बनेगा, पहले सेट के 1/4 के साथ दूसरे सेट में से कोई भी आ जाए तो मसला 12 से बनेगा, पहले सेट में 1/8 के साथ दूसरे सेट में से कोई भी आ जाए तो मसला 24 से बनेगा, ठीक है। ये आप तरीका लिख लें, इसको याद रखें, अगर एलसीएम के तरीके से नहीं करना, जिसने एलसीएम के तरीके से करना है तो वो ठीक है। आगे चलें जी, असल में थोड़ी सी रिवीजन हो जाती है। अच्छा, अब हमने पढ़ा था कि ये असल मसला जब निकालते हैं इन 6 फर्जी हिस्सों से जो अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, इन 6 फर्जी हिस्सों से असल मसला, वो 7 निकलते हैं उसूल असल मसले, या 2 होगा असल मसला, या 3 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा, या 12, या 24। अच्छा, और ये भी जिक्र किया था कि अगर एक मसले में फर्जी हिस्सा हो ही ना, असबा हो, फिर क्या करेंगे जी। अगर एक मसले में फर्जी हिस्से हो ही ना, असल मसला तो फर्जी हिस्सों से निकलता है, अगर एक मसले में फर्जी हिस्से हो ही ना फिर क्या करेंगे, असबा हो, हाँ जी, किसी को ये वाले मसले ना, मैं नमाज पढ़ने चला गया तो मुझे नहीं पीला, आपने क्या बताया था जी, कोई और बता दें। तो अगर सिर्फ असबा हूँ तब कैसे मसला हल करेंगे, असल मसला कैसे निकालेंगे? वैसे तो असबा होंगे तो उनके टोटल हिस्से निकाल के जितने हिस्से होंगे, फर्ज किया अगर सिर्फ औलाद में बेटे बेटियां, तो अगर 2 बेटे 3 बेटियां हैं, असल मसला कितने से निकलेगा? 2 बेटे 3 बेटियां निकलेगा, एक बेटे को 2 बेटियों के बराबर गिनेंगे ना, 4 और 3 7 हो जाएगा। और अगर 5 बेटे हों बस, फिर जो 5 से निकलेगा ना, तो बस इसका फिर आप ये कहें ना कि अगर असबा हूँ तो असल मसला जितने असबा हैं उतने से बना लेंगे, जिसको कहते हैं अदद-ए-रुउस, अदद-ए-रुउस से, यानी जितने लोग हैं उतने की तादाद से हम असल मसला निकाल लेंगे। अब अगर वो सारे मर्द हैं असबा, ये सारी औरतें हैं, फिर तो जितनी तादाद है वो कर लें, मसलन अगर 5 बेटे हैं तो 5 से कर लें, 3 आज़ाद करने वाली औरतें हैं मौसिबात, तीनों असबा हैं तो 3 से मसला निकाल लेंगे। लेकिन अगर मसला ये कि अगर असबा मखलूत हो गए, लड़के लड़कियां, और वो मिलकर असबा बन रहे हैं, फिर क्या करेंगे, फिर लड़कों को डबल शुमार करेंगे, लड़कियों को सिंगल शुमार करेंगे, ठीक है। ये भी अदद-ए-रुउस ही है। आगे चलें। अच्छा, अहम तरीन जो हम कल हमने आखिर वक्त में पढ़ी थी, असल मसले की तहसील की 3 किस्में हैं बुनियादी, एक को मसला आदिला कहते हैं, एक को मसला आइला कहते हैं, एक को मसला नाफिसा कहते हैं। मसला आदिला क्या हुआ, असल में हमने कहा था कि असल मसला, असल में तहसील में हमने सिर्फ ये नहीं पढ़ना कि असल मसला कैसे निकालते हैं, सिर्फ असल मसला निकाल कर हमने मसला छोड़ नहीं देना, बल्कि हमें क्या करना है, तहसील में हमें असल मसला निकालने के बाद हमें फिर उससे सिहाम भी निकालने हैं। सिहाम का ताल्लुक असल मसले से होता है। अब 3 इस्तिलाहात हैं हमारे सामने, आपने बताना है कि किस इस्तिलाह का क्या मतलब है। हमारे सामने एक इस्तिलाह है नसीब, एक मिनट, एक इस्तिलाह है हमारे सामने नसीब, एक इस्तिलाह है
असल मसला या तासील, और एक इस्तिलाह है सहम, जिसकी जमा सहाम सहाम होती है। सहाम की जमा सहाम है। असल मसला की जमा क्या है? उसूल। असल की जमा उसूल। हमने कहा कुल उसूल सात हैं। अच्छा जी, नसीब की जमा क्या होती है? नसीब की जमा अनसिबा, जैसे सदीक की जमा अस्दिका, नबी की जमा अंबिया, इसी तरह नसीब की जमा अनसिबा। अच्छा, नसीब किसे कहते हैं? असल मसला तो हमने पढ़ लिया, वो असल, वो बुनियाद जिसे हम मसला निकालते हैं, तासील बुनियाद निकालना। नसीब और सहम क्या है? नसीब किसे कहते हैं और सहम किसे कहते हैं? कौन बताएगा आप में से? सहम तो हिस्से को कहते हैं और नसीब भी वैसे हिस्से को कहा जाता है। दोनों में क्या फर्क है? मोहतरम, आपने कहा था कि नसीब मतलब कि जो कुरान में से हिस्सा मुकरर किया हुआ है तो वो नसीब है, लेकिन सहम असल मसले में से जितना हिस्सा उसको मतलब किसी शख्स को आएगा तो वो सहम। बिल्कुल ठीक, शाबाश। देखें, जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर को गौर से सुने और वो चीज़ें ना लिख लिया करें। तो नसीब और सहम में बड़ा फ़र्क है। नसीब वो हिस्से जो कुरान में मुकरर हुए हैं, फर्जी हिस्सा कह लें या किसी का असली हिस्सा कह लें, तो नसीब वो रेशो है, असल में वो एक ही रहती है, अगर ख़ास तौर पर फर्जी हिस्सा हो तो। लेकिन एक एक मखसूस शर्त में एक रहती है, अगर शर्त चेंज हो जाए वो नसीब भी चेंज हो जाता है। मसलन शौहर का नसीब क्या है? अगर मैयत की औलाद हो तो रुबो, 1/4, ये नसीब है। अगर मैयत की औलाद होगी तो ये 1/4 ही रहेगा, लेकिन अगर मैयत की औलाद ना हो, शर्त कंडीशन चेंज हो गई, तो फिर शौहर का नसीब भी चेंज हो जाएगा, उसका निसफ हो जाएगा, ये नसीब है। लेकिन सहम और चीज़ है। सहम क्या है? असल में हम नसीब से असल मसला निकालते हैं। नसीब फर्जी हिस्सा है, आप समझिए, हम फर्जी हिस्सों से असल मसला निकालते हैं और असल मसला निकालने के बाद सहम बनते हैं। सहम का बड़ा गहरा ताल्लुक असल मसले के साथ है। सहम असल मसले के अलावा नहीं हो सकता, और सहम चेंज भी होता रहता है। आप देखिए, अगर शौहर का हिस्सा, मैं आपको मिसाल देता हूँ, शौहर का हिस्सा अगर मिसाल के तौर पर चौथाई है, 1/4 है, शोहर और बेटा, शोहर का हिस्सा कितना होगा यहाँ? 1/4, 1/4। ये नसीब है शोहर का। बेटे का कितना है? बेटा असबा है, ठीक है। कितने से मसला हल करेंगे हम? चार से। एक वो आपने पेंडा, जी, तो मसला कितने से हल करेंगे हम? मसला चार से हल करेंगे, ठीक है। चार से क्यों हल करेंगे? चार से इसलिए हल करेंगे, एक ही फर्जी हिस्सा है, एक ही फर्जी हिस्सा हो उसके मकसद से असल मसला निकाल लेते हैं। जब असल मसला निकला, अब चार से शौहर का हिस्सा कितना होगा? शौहर का हिस्सा एक है, बेटे का कितना है? तीन। अब शोहर का नसीब तो 1/4 है, शोहर का सहम एक है, और सहम का ये भी ताल्लुक होता है वो है किससे? वो चार पे, अगर चार हिस्से करें तो शोहर के सहम एक है, चार में से एक, और बेटे के सहम तीन है। या आप यहाँ बेटे की बजाय अगर आप यहाँ मसलन चले पोता कर लें, तभी यही होगा कि चेंज हो जाएगा मसला?
वही रहेगा ना, होता है कि सूरत में यही रहेगा। अच्छा एक मिसाल ये है, शोहर और पोता। मैं एक मिसाल एक और हल करता हूँ, यही मिसाल। इस मिसाल में मैं पोता के साथ दो बेटियां भी ले आता हूँ, आप बताइए कैसे हल करेंगे, अब क्या तब्दीली होगी? अब चेंज हो जाएगा ना, दो बेटियों का 2/3 हिस्सा आ जाएगा सर। दो बेटियों का 2/3 आ गया, दो बटा तीन। अब मसला कितने से बनेगा? 12 से। 1/4 के साथ 2/3 अगले सेट में से कोई भी आए तो मसला 12 से। शोहर का सिहान कितने हुए? 3। पोते के सिहान कितने हुए? पोते के तो अभी नीचे दे के फिर ऊपर बाकी जाएंगे। बेटियों कितने हुए? 8। तो कितना बाकी बचा पोते के लिए? 1। अब देखिए शोहर का नसीब दोनों में 1/4 है, लेकिन शोहर का सिहान फर्क हो गया दोनों में, एक में 1 है और एक में 3 है। असल सिहान का ताल्लुक है असल मसले से, असल में नसीब 1 है। जब शोहर का सिहान 1 है तो हम पूछेंगे कितने में से 1 है, 4 में से 1, तो 4 में से 1 1/4 ही होता है। और शोहर का सिहान, शोहर के सिहान इस दूसरे मसले में 3 है। हम सवाल करेंगे 3 हैं कितने में से, हम कहेंगे कुल जायदाद के 12 हिस्से करें, तो 12 हिस्से में से शोहर को 3 हिस्से देंगे, 12 में से 3 भी 1/4 ही होता है। ठीक है, तो सिहान का बड़ा गहरा ताल्लुक है असल मसले के साथ, समझ आ गई? हमें जब भी असल मसला निकालना है फिर नीचे सिहान निकालने, तो सिहान असल मसले से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बता चुका हूँ आपको, ये असल मसला 4 है, शोहर 1/4 है, तो 4 को 4 पर डिवाइड कर दें और फिर ये जो बटे के ऊपर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब मसलन यहाँ 2/3 है और यहाँ 12 है, कई लोगों को ना जल्दी से 2/3 या 2/3 नहीं निकलता उनसे, तो उसका आसान हल ये है 12 को 3 पे डिवाइड करें, 4 आया, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 8 ये 12 से निकला है, अगर यहाँ 12 की बजाय 24 होता तो ये 8 की बजाय क्या हो जाता? 16 हो जाता। तो सिहान का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है असल मसले से, तो जब भी सिहान से असल मसले निकाल लें हम सारे, पहले फर्जी हिस्से, पहले फर्जी सिहान निकाल लें, फिर हम उसके बाद असबी बाकी जो बचा वो दे दें अगर असबा हो तो, फिर हमें इन सिहान को जमा ज़रूर करना चाहिए, हमें देखना चाहिए इन सब सिहान को जमा करें। अच्छा अब जब हम सिहान को जमा करते हैं तो अब हम सिर्फ फर्जी असहाबुल फ़राइज़ के सिहान जमा करें कि हम असबा के सिहान भी जमा करें, तो हमें असल में असहाबुल फ़राइज़ के सिहान जमा करने चाहिए। असहाबुल फ़राइज़ के सिहान क्यों जमा करते हैं? इसलिए कि असल मसले का ताल्लुक असहाबुल फ़राइज़ के साथ है डायरेक्ट, वो तो कहीं असहाबुल फ़राइज़ ना हो तो मजबूरन हमें असबा से भी असल मसला निकालना पड़ता है, वो असल में असल मसला नहीं, वो असल मसला नहीं है, वो एक जुगाड़ है बस, जितने अद्दे रूस हैं उतने से असल मसला बना दें। असल मसला फर्जी हिस्सों से निकलते हैं, जो असल डेफिनेशन है असल मसले की तासील की, वो छोटे से छोटा अदद जिससे असहाबुल फ़राइज के फर्जी हिस्से उनके हिस्से बग़ैर कसर के निकाले जा सकें, बग़ैर इशारे के निकाले जा सकें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, असल मसला के बाद हमें फर्जी हिस्सों के सिहाम गिनने ज़रूर हैं, उनको जमा ज़रूर करना है हमें। अब मुझे बताइए कि ये जो पहला मसला मैंने हल किया है, इस मसले में असहाबुल फ़राइज़ के सिहाम और असल मसला इनकी नस्बत क्या है, क्या असहाबुल फ़राइज़ के सिहाम और असल मसला बराबर है? नहीं। असहाबुल फ़राइज़ के सिहाम कितने हैं? एक। असल मसला क्या है? चार। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम मसला नाकिसा कहेंगे।
مسئلہ ناقصہ کیوں کہیں گے؟ جب بھی اصحاب الفرائض کے سہام اصل مسئلے سے کم ہو جائیں تو مسئلہ ناقصہ ہوتا ہے. یہ تو پھر ہمیشہ اس وقت نہیں ہوگا جب کوئی بھی اسبہ ساتھ مل جائے گا. جب بھی, یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی, جب بھی کسی مسئلے میں اسبہ آئے گا اور اسبہ وارث ہوگا تو وہ مسئلہ ناقصہ ہوگا. بلکہ اگر میں اس کو, جو بات آپ نے کہی ہے راشد صاحب, اگر میں اس کو ایک اور اصول کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اسبہ وارث ہی ایک صورت میں ہوتا ہے جب مسئلہ ناقصہ ہو, ورنہ اسبہ وارث ہی نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ جی بالکل صحیح. اور یہ اصول لکھ لیں اپنے پاس, یہ بہت زبردست اصول ہے اور آپ کو فائدہ دے گا کہ اصل مسئلے کی تین قسمیں ہیں, ایک مسئلہ عادلہ, ایک مسئلہ ناقصہ, ایک مسئلہ عائلہ. تو اسبہ صرف مسئلہ ناقصہ میں وارث ہوتے ہیں, مسئلہ عادلہ اور مسئلہ عائلہ میں اسبہ وارث نہیں ہوتا. مسئلہ اسبہ نہ ہو تب بھی وارث نہیں ہوگا, اسبہ آ جائے مسئلہ عادلہ میں اور مسئلہ عائلہ میں پھر بھی وارث نہیں ہوگا. اچھا یہ جو میں نے مثال آپ کو لکھوائی ہے, یہ بتائیے یہ مسئلہ کون سا ہے؟ یہ بھی ناقصہ ہی ہے نا. اس میں کتنے سہام ہیں؟ اس میں ٹوٹل سہام اصحاب الفرائض کے 11 ہیں. اصحاب الفرائض کے سہام اس میں 11 ہیں اور اصل مسئلہ 12 ہے, تو یہ مسئلہ ناقصہ ہوا. مسئلہ ناقصہ میں اسبہ وارث ہوتا ہے اور کسی مسئلے میں اسبہ وارث نہیں ہوتا. اب میں آپ کو مسئلہ عادلہ کی مثال دیتا ہوں. ماں بہن خلاتی بہن اخیافی بہن اور چچا, جی حصے دیں ذرا. جی کوئی اور بھی دیں ذرا. ہاں جی کوئی اور بھی ساتھ شریک ہو نا. جی مس سمیرا آپ حصے تقسیم کریں گی؟ کوشش کرتی ہوں سر. ٹھیک کریں. ماں کا کیا حصہ ہے؟ ماں کا 1/3 ہو جائے گا. 1/3. ماں کا 1/3 کب ملتا ہے؟ اور صحاب الفرائض کا چیپٹر آپ کو ازبر ہونا چاہیے. جب اس کے ماں کے ساتھ باقی لوگ بھی آ جاتے ہیں نا, لائک بہن بھائی بھی آ جاتے ہیں, تو 1/3 تو نہیں ملتا پھر. 1/6 اور 1/3 میں سے. 1/6 کب ملتا, 1/3 کب ملتا ہے؟ چلیں کوئی اور بتائیں. ہاں جی جب تک اولاد ہوتی ہے. اولاد ہو تو ماں کو کتنا ملتا ہے؟ ایک تو اولاد ہو تو ماں کو 1/6 ملتا ہے. 1/6 ملے گا. 1/6 ملے گا. اولاد نہیں ہوگی تو 1/3 ملے گا. نہیں ایک اور صورت میں بھی 1/6 ہوتا ہے ماں کا. ایک تو اولاد کی صورت میں 1/6 ہوتا ہے اور دوسرا اگر ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں. اب یہاں اولاد نہیں ہے لیکن بہن بھائی یا بہنیں ایک سے زیادہ ہیں میت کی, تو ماں کو کتنا ملے گا؟ 1/6 ہو جائے گا. 1/6 ملے گا. تو ماں کا اس مثال میں 1/6 ہے. اچھا جی سگی بہن کا کتنا ہے مس افشین آپ بتائیں؟ استاد مجھے سمجھ نہیں کس کا کتنا ہے. سگی بہن کا. سگی بہن کا نصف ہوتا ہے. آپ نے جب بھی بیٹھنا نا آج کے بعد کلاس میں, آپ لوگ سب کی بات کر رہا ہوں, وہ جو سلائیڈ ہے نا اسبہ والی اصحاب الفرائض والی وہ سامنے رکھیں, ان کو اس کو رٹ لیں یاد کر لیں ٹھیک ہے نا. تو سگی بہن کے حصے فلاں شرط کے ساتھ یہ حصہ, اللاتی بہن کے فلاں شرط کے ساتھ یہ حصہ, وہ رٹ لیں تو آپ کو سامنے رکھنا نہیں پڑے گا. اگر وہ آپ کو نہ یاد ہوں تو اس کو کم از کم سامنے رکھ لیں فوری جو ہے نا. اب ہم نے
मसले ही हल करने, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है आगे। तो सगी बहन का क्या क्या हिस्सा होता है? मैयत कलाला है और सगी बहन अकेली है, निस्फ होगा फिर, निस्फ होगा, दो शर्त, एक बटा दो, दो दो शर्तें हो, मैयत कलाला हो और सगी बहन अकेली हो तो सगी बहन का आधा होता है दो शर्तों के साथ। अल्लाती बहन का कितना है यहाँ? जी असल में मेरा निस्फ क्यों होगा? अल्लाती बहन को सगी बहन के में निस्फ कैसे मिल सकता है? कभी भी नहीं मिल सकता। पोती को बेटी की मौजूदगी में कभी भी निस्फ नहीं मिल सकता। एक बटा अल्लाती बहन, अख्याफी बहन, ये एक बटा छह में शामिल हो जाएंगे। हाँ, अगर आप फर्जी इसे देखें तो अगर मैयत की सगी बहन मौजूद हो जिसने आधा हिस्सा लिया हो तो अल्लाती बहन छठा हिस्सा लेती है दो तिहाई मुकम्मल करने के लिए। तो यहाँ अल्लाती बहन का 1/6 है दो तिहाई मुकम्मल करने के लिए। अल्लाती बहन सगी बहन के साथ ऐसे ही होती है जैसे पोती बेटी के साथ। अख्याफी बहन का कितना हिस्सा है? एक बटा छः। किस उसूल से, किस शर्त से? जब मैयत के लाला हो और वो इनके बहन भाई ना हो, एक अख्याफी बहन हो, बस दो शर्तें हैं। अगर मैयत का लाला हो और अख्याफी बहन भाई में से कोई एक मौजूद हो तो छठा हिस्सा लेता है। ठीक है, आपने सही बताया। अख्याफी बहन का भी मेरा टारगेट है इंशाल्लाह ईद की छुट्टियों में ना मैंने ये सारे हिस्से इंशाल्लाह। आपने कहा ना अख्याफी बहन भाई, बहन या भाई, तो भाई को भी एक बटा छह मिलेगा। फिर भाई को भी एक बटा छह मिलेगा। देखिए कुरान की आयत आप याद कर लेना, तीन आयतें याद कर लें। وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ۔ قرآن کی آیتوں میں سیدھا سیدھا جواب موجود ہے، بالکل کلیئر کٹ قرآن کی آیتوں میں اللہ نے شرطیں بیان کی ہیں۔ اگر میت کا لالہ ہو اور اس کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن، اور یہاں مراد اخیافی بہن بھائی ہیں، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک کا چھٹا چھٹا حصہ ہے۔ بھائی ہو تب بھی چھٹا حصہ ہے، بہن ہو تب بھی چھٹا حصہ ہے۔ یہاں میت کا لالہ ہے اور اخیافی بہن کے لیے ہے تو چھٹا حصہ ہوگا۔ قرآن کی آیت سے تو نہیں نا پتا چلا کہ اخیافی ہے یہ الگ ہے۔ اب وہ میں نے جو اتنا ٹائم لگایا تھا وہ میں نے تو ویسے ہی ٹائم نہیں لگایا تھا نا، ساری تفصیل آپ کو کیوں بتائی تھی؟ اسی لیے بتائی تھی کہ آپ یاد رکھیں۔ اتنا دن لگ گئے ہمارے قرآن کی آیتیں پڑھتے پڑھتے، تو وہ آپ اسی لیے تو آپ کو سمجھایا تھا اور بار بار آپ کو جو ہے نا وہ بتایا کہ یہ دوسری آیت کا دوسرا حصہ اخیافی بہن بھائیوں کے لیے، تیسری آیت سگے اور اللاتی بہن بھائیوں کے لیے۔ کتنی دفعہ دہرایا تھا آپ کو؟ اسی لیے تو بتایا تھا تاکہ ازبر ہو جائے۔ چچا کو کتنا ملے گا یہاں؟ اصل میں دیکھیے اگر ہم نے چیزیں یہ ہمیں یاد ہونا، یہ جو ہمیں اتنا ٹائم لگ رہا نا یہ مسئلہ حل کرنے میں، یہ مسئلہ جلدی حل ہو جاتا اور ہم آگے اور جلدی پڑھ لیتے آگے۔ میرا دل ہم نے کئی آگے اہم چیپٹر پڑھنے ہیں، لیکن اگر ہم ان مثالیں بار بار حل کرنی پڑیں گی، مثالیں جلدی ہمیں حل کرنی چاہیے۔ ایک بڑا چھ تو تین مرتبہ آ گیا نا، اس میں سے چھ لے لیں، اور ایک بڑا دو ایک مرتبہ آ گیا تو ایک بڑا دو کے ساتھ ایک بڑا چھ پہلے سیٹ کے ساتھ دوسرے سیٹ میں سے کوئی بھی آئے، پہلے سیٹ میں ایک بڑا دو کے ساتھ دوسرے سیٹ میں ایک بڑا کوئی بھی آئے تو چھ سے مطلب بنے گا۔ اس کا ایلسیم لے لیں وہ بھی چھ سے ہی بنے گا۔ تو ماں کو کتنا ملا؟ ایک آ جائے گا۔ بہن کو؟ تین۔ اللہ کی بہن کو؟ ایک۔ اخیافی بہن کو؟ ایک۔ چچا کو؟ چچا کو باقی ملنا ہے اور باقی بچا کچھ نہیں۔ کیسے باقی کچھ نہیں بچا؟ آپ گن لیں اس کو، باقی کچھ نہیں بچا۔ کہ اگر ہم نے چھ میں سے ماں کو ایک دے دیا، سگی بہن کو تین دے دیا، چار اللہ بہن کو ایک دے دیا اور اخیافی بہن کو ایک دے دیا، تو یہ چھ کے چھ پورے ہو گئے۔ جب چھ کے چھ پورے ہو گئے، یہ ذرا بند کرتے ہیں اپنا مائک۔ جی، تو یہ ایک بڑا تین، ایک اور تین اور ایک اور ایک چھ پورے ہو گئے۔ چچا کے لیے کچھ نہیں بچا، زیرو۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ ناقصہ تو نہیں ہے، پھر کون سا حکم؟ یہ مسئلہ ناقصہ نہیں ہے، پھر کون سا ہے؟ عادلہ حکم؟ مجھے علم نہیں ہے۔
मसला आदिला, अभी किसी ने बताया, सही बताया, मसला आदिला है। आदिला मसला कौन सा होता है कि असहाबुल फ़राइज़ के सिहाम असल मसले के बराबर हों। असहाबुल फ़राइज़ कौन है इसमें? इसमें ये असहाबुल फ़राइज़ हैं चार लोग, तो इन चार लोगों के सिहाम, सिहाम ये नसीब हैं और ये सिहाम हैं, तो इनके सिहाम छः हैं और ये असल मसले के बराबर हैं। और आप देखिए इस मसले में असबा वारिस नहीं है, हालांकि चचा को कोई महरूम करने वाला नहीं है, ना माँ चचा को महरूम करती है, ना सगी बहन महरूम करती है, ना अल्लाती बहन महरूम करती है, ना ख्याफी बहन महरूम करती है चचा को। अगर सगी अल्लाती बहनें असबा ना हों तो ये चचा को महरूम नहीं करती, अगर ये असबा हों तो अपने भाई के कायम मुकाम होकर चचा को महरूम कर देती हैं, जैसे हमने तफसील पढ़ा था हजब की, अगर वो आपको याद हो तो। जो चीज़ पढ़ी है वो आपको याद होनी चाहिए, वो याद होगी तो चीज़ें हम जल्दी हल कर सकेंगे और चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएंगी। तो मैंने आपको बताया कि असबा सिर्फ मसला नाकसा में वारिस होते हैं, मसला आदिला में, मसला आयला में असबा वारिस नहीं हो सकते, तो ये मसला आदिला हुआ। तो मसला आदिला कौन सा होता है? मसला आदिला वो जिसमें असहाबुल फ़राइज़ के सिहाम असल मसले के बराबर हों, और जिसमें असहाबुल फ़राइज़ के सिहाम असल मसले से कम हो जाएँ वो मसला नाकसा है। उसमें अगर असबा आ जाए तो वो वारिस, वो बाकी माल का वारिस वो बन जाता है, सिर्फ उसी में असबा के लिए बाकी माल बचता है मसला नाकसा में। क्योंकि मसला नाकसा क्या होता है कि असहाबुल फ़राइज़ के सिहाम असल मसले से कम हो, तो उसी सूरत में अगर असबा आएगा तो उसके लिए माल बचेगा, वरना मसला आदिला में तो असहाबुल फ़राइज़ से माल बचा ही नहीं, जब असहाबुल फ़राइज़ से माल बचा ही नहीं तो असबा को कुछ नहीं मिलेगा। और तीसरे मसले की तीसरी किस्म है मसला आयला। मसला आयला क्या होता है मैं आपको उसकी मिसाल भी दे देता हूँ। मसलन अगर शोहर हकीकी बहन, अल्लाती बहन और चचा, चलो यही मिसाल ले लें। हाँ जी, शोहर का कितना हिस्सा है? निस्फ। शोहर के लिए यहाँ निस्फ है, मैयत की औलाद नहीं है। हकीकी बहन का कितना है? 1/2 निस्फ ही है, मैयत का लाला है और हकीकी बहन अकेली है। और ख्याफी अल्लाती बहन का कितना है? 1/6 दो तिहाई मुकम्मल करने के लिए, जैसे बेटी पोती का होता है। चचा का कितना है? असबा। कितने से मसला बना? असल में जब तक हम असल मसला नहीं निकालेंगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा असबा को हमने कितना हिस्सा देना है, और जब असल मसला और हम सिहाम निकालेंगे तो पता लगेगा। असल मसला 6 से बना, तो शोहर को कितना मिला? 3 और सगी बहन को 3। अल्लाती बहन को देखिए, आपको बंदा ये नहीं कहेगा नहीं मैं अल्लाती बहन को नहीं देना जी, क्यों नहीं देना? इसलिए कि 6 में से 3 तो पूरा हो गए। बताइए अल्लाती बहन को देना कि नहीं देना? देना है। वो बोल रहे हैं ना, इस्तेहाम हमने यहाँ अल्लाती बहन को इसलिए देना है, इस वजह से उसको देने से महरूम नहीं कर देना, या तो उसको कोई महरूम करने वाला हो, उसको महरूम करने वाला कोई नहीं है अल्लाती बहन को। जब महरूम करने वाला नहीं है तो अगर ये असबा होती अल्लाती बहन फिर ना देते, असबा को बचा हुआ माल देते, ये इसका असबी हिस्सा नहीं फर्जी हिस्सा है अल्लाती बहन का। अगर मैं आपको यहाँ एक अजीब बात बताऊँ, अगर यहाँ अल्लाती भाई आ जाता फिर क्या करते हैं? फिर उसको ना मिलता ना, वो असबा हो जाता। फिर नहीं मिलेगा, वो असबा हो जाता और फिर यहाँ उसका जीरो होता और चचा महरूम हो जाता, चचा असबा ना होता, चचा अल्लाती भाई से महरूम हो जाता। अल्लाती भाई खुद भी जीरो ले रहा है तो चचा भी जीरो लेता। तो देखिए ये जो लोग इस्लाम के निज़ाम विरासत पर एतराज़ करते हैं, जी औरतों पर जुल्म है, नऊज़ बिल्ला, ये बात कहते हुए लरस जाना चाहिए बंदे को एक मरतबा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर हमला है, कोई जुल्म नहीं है, हमें समझ नहीं आता तो हमारी अकल का कसूर है। अल्लाती भाई आए तो वो जीरो ले, अल्लाती बहन आए यहाँ अल्लाती भाई आए तो वो कुछ ना ले, अल्लाती बहन आए तो वो वारिस बन जाए। तो देखिए ये भी एक विरासत का एक हुसन है, औरत को हिस्सा मिल रहा, मर्द को हिस्सा नहीं मिल रहा। अल्लाती बहन आएगी तो वो छठा हिस्सा लेकर 1/6 ले लेगी,
اور اس کو دینا ہی دینا ہے کیونکہ فرضی حصہ ہے، یہ طے شدہ حصہ ہے. اب اچھا یہاں اسبہ ہے. اچھا جی، چھ سے مسئلہ بنا، شوہر کو تین دے دیا، حقیقی بہن کو تین دے دیا، اللہ بہن کو ایک دے دیا، تو اب چچا اسبہ ہے، باقی مال بچا کہ نہیں بچا؟ مال تو پہلے ہی کم پڑ گیا ہے، پورا آ ہی نہیں رہا. شوہر کو تین دیں، بہن کو تین دیں، لاتی بہن کو بھی ایک دینا ہے، اس سے اصل مسئلہ چھ ہے اور اس سے ہاں تو سات بن رہے ہیں، تو چچا کو تو بلولا نہیں ملے گا. تو یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ سے کہی، میں نے آپ سے کہا کہ اسبہ صرف اور صرف کس مسئلے میں وارث ہوتے ہیں؟ مسئلہ ناقصہ میں. پچھلا مسئلہ عادلہ تھا، اس میں بھی چچا وارث نہیں ہوئے، یہ مسئلہ کون سا ہے؟ یہ مسئلہ، یہ مسئلہ عادلہ تھا، یہ مسئلہ عائلہ ہے. عادلہ عدل سے ہے، عائلہ اول زیادتی سے ہے، اس میں سہام زیادہ ہو گئے ہیں اصل مسئلے سے، اس کو عائلہ کہتے ہیں اول سے، اور یہ جو اوپر مسئلہ تھا اس کو ناقصہ کہتے ہیں. آپ نے جب بھی ایک مسئلہ، اصل مسئلہ لکھنا ہے، آپ نے اصل مسئلہ کے ساتھ یہ ضرور لکھنا ہے اگلے کالم میں کہ یہ مسئلہ ناقص، جب حل کر لیں تو آخر میں سہام کو دیکھ کر، اصل مسئلہ کو دیکھ کر یہ فیصلہ کریں کہ یہ مسئلہ ناقصہ ہے کہ عادلہ ہے کہ عائلہ ہے، کیونکہ اس کے پر تب مسئلہ حل ہوگا، ورنہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا. مسئلہ عادلہ ہے تو حل ہے، مسئلہ عائلہ ہو اور ناقصہ ہو تو مزید حل کرنا پڑتا ہے. مزید کیا حل کرنا پڑتا ہے وہ دیکھیں کیا حل کرنا پڑتا ہے. تو میں نے یہ لکھا ہے، یہاں میں نے لکھا ہے کہ مسئلہ عادلہ وہ ہے اصحاب الفرائض کے سہام کو مجموع اصل مسئلے کے برابر ہو، تو مسئلہ عادلہ، اس سے مزید کچھ نہیں کرنا پڑتا. مسئلہ عائلہ، اصحاب الفرائض کے سہام کو مجموع اصل مسئلے سے زائد ہو، جیسے اب ہم نے یہ آخری مثال پڑھی ہے، شوہر، حقیقی بہن، اللہ بہن، چچا، اصحاب الفرائض کے سہام کا مجموعہ سات ہے، اصل مسئلے سے زائد ہے، کیا ہوا؟ مسئلہ عائلہ ہوا، اصحاب الفرائض کے سہام کا مجموعہ اصل مسئلے سے زائد ہو. یہ رش پڑ گیا ہے کئی حصوں میں، اول کی وجہ سے رش. اس صورت میں اول ہوگا، تفصیل اس کے اول کے مسائل وہ اگلا چیپٹر ہے ہمارا اول کا. اچھا جی، تیسری صورت ہے، یعنی اس صورت میں مزید حل کرنا پڑے گا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ابھی، مزید حل کرنا پڑے گا. اور تیسری صورت ہے، اصحاب الفرائض کے سہام کا مجموعہ اصل مسئلے سے کم ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ ناقصہ. اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں صرف یہ ایک صورت ہے مسئلہ ناقصہ، جس میں باقی مال بچے گا اصحاب الفرائض سے، تو اس صورت میں باقی بچنے والا مال اسبہ کو الاقرب فالاقرب کے مطابق ملے گا. اگر اسبہ موجود ہوں تو باقی مال اسبہ لیں گے، اور اسبہ صرف مسئلہ ناقصہ میں وارث ہوتے ہیں، مسئلہ عادلہ اور عائلہ میں وارث نہیں ہوتے. اسبہ آ بھی جائیں تو وارث نہیں ہوتے، مسئلہ ناقصہ میں اسبہ آئیں تو اسبہ آ جاتے ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اسبہ باقی سارا مال لے لیتے ہیں. اگر اسبہ نہ ہو تو مسئلہ بن جاتا ہے، پھر رد ہوتا ہے، اور رد کی تفصیل رد کا ایک چیپٹر ہے پورا، اس میں ہوگی. سمجھ آ گئی یہاں تک بات؟ اب ہمارا اس کے بعد یہ ہمارا ہے تحصیل، اور تحصیل کے بعد ہمارا اگلا چیپٹر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، صرف میں آپ کو ایک دو باتیں بتا دوں. ہمارا اگلا چیپٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں آل. آل کے بارے میں صرف آپ اتنا یاد رکھیں کہ آل جب اصل مسئلہ چھ ہو یا بارہ ہو یا چوبیس ہو تب آل ہوتا ہے، ورنہ آل ہی نہیں ہوتا. کل اصل مسئلے کتنے ہیں؟ کل اصول کتنے ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا کل اصول سات ہے. کل اصول کتنے ہیں؟ سات. دو تین چار چھ آٹھ بارہ چوبیس، ہم نے پڑھے تھے نا کل اصول کتنے ہیں. یہ دیکھیے، یہ ہم نے پڑھا تھا کل اصول کتنے ہیں. کل اصول سات ہیں. ان سات اصول میں سے صرف چھ میں اور بارہ میں اور چوبیس میں آل ہوتا ہے. دو اصل مسئلہ آئے، تین اصل مسئلہ آئے، چار اصل مسئلہ آئے، آٹھ مسئلہ اصل مسئلہ آئے، آل ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہیں گے کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک لکھی پڑھی تجربے کی بات ہے، ایکسپیرینس کی بات ہے. جو کہتا ہے ہو جاتا ہے، وہ کوئی ایسی مثال لے آئے دنیا جہاں کی کہ اصل مسئلہ دو بنے اور اس میں آل ہو رہا ہو، اصل مسئلہ تین بنے اور آل ہو رہا ہو، اصل مسئلہ چار بنے اور آل ہو رہا ہو، اصل مسئلہ آٹھ بنے آل ہو رہا ہو. آل کس کو کہتے ہیں؟ اصحاب الفرائض کے سہام اصل مجموعہ اصل مسئلے سے بڑھ جائیں.
یہ صرف 6, 12, 24 میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا 6 میں اگر آل ہو تو وہ اصحاب الفرائض کے سیام یا تو 7 بنیں گے یا 8 بنیں گے یا 9 بنیں گے یا 10 بنیں گے. 6 کا کہتے ہیں 6 کا آل, یہ بات لکھ لیں اپنے پاس, 6 کا آل یا 7 ہوگا یا 8 ہوگا یا 9 ہوگا یا 10 ہوگا, یہ اس کی مثالیں. 12 کا آل یا 13 ہوگا یا 15 ہوگا یا 17 ہوگا. 12 کا آل 13, 15, 17 ہوگا, اور 24 کا آل 27 ہوگا. بس یہ بات لکھ لیں, کل پڑھیں گے مزید. 6 کا آل 7, 8, 9, 10, 12 کا آل 13, 15, 17, 24 کا آل 27, باقی انشاءاللہ آئندہ عید کے بعد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. ریکارڈنگ سٹاپڈ.